सिंधी अदबी संगत सिंधी बोली के कौमी बोली बनाने लाए जागरता मुहिम हलाए रही है। पीपल्स पार्टी जे सरकार के अड़ा खत ही पैगाम मोकले रही है तो सिंधी बोली के कौमी बोली जो दर्जो दिनो वे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़न में रहंदड़ मानुन जे बोलियन यानी बलोची ब्राहवी पंजाबी सराकी हिंदको पश्तो बियन बोलियन के कौमी बोली जो दर्जो दिनो वे उन्होंने वाधारे लाए उन्होंने बोलियन जहा टीवी चैनल रेडियो स्टेशन कायम कया वन दफ्तरी कमकार मकामी बोलियन में हलो वे वगैरह। आलमगीरियत उर्फ ग्लोबलाइजेशन के तूफान में इंदड़ 100 साल में दुनिया के केतरन बोलियन के खत्म थियण जो खतरो मौजूद है। यकीनन उन खतरे जो कुछ हिस्सो सिंधी बोली के हिस्से में भी इंदो पर असी जे 10 करोड़ का सिंधी गालाइंदड़ 15 करोड़ का सिंधी समझंदड़ मानू मौजूद आयो उहे जेकर पंजे जीजल जे झोली वारी बोली के बचाण लाए हिकड़ो हिकड़ो नंढड़ो नंढड़ो पत्थर गड करण जेतरो कम कयूं त असी सिंधी बोली के एक अजीम शान बचा जो किलो तमीर करे उनके सदियों ताई महफूज करे सकूं था। यह गाल बहस तहकीक जी घुर्जाऊ है त सिंधु माथरी जो हदू कहड़ियों केस ताई आन सिंधी बोली जो जोग्राफियाई हदू किथे दम कन थियों छाकाण त सिंध रुगो उ ना है जेका अंग्रेजन या मुख्तलिफ़ हुकूमतुन रवेन्यू के ढलन के उगाड़ी लाए नक्शन में छपराई है पर सिंधु माथरी के सकाफत जहा रंग गिलगत कश्मीर में भी जरकन था। सिंध में शादियों में गायजंदड़ सेहरन जड़ा सेहरा हजारा हिंदको वारन इलाकन में बुझन था। सिंधी पहाका पंजाब में भी दोहराजन था सिंधी रीतू सिराकियन बलोचन में भरजायजन थियों बलोचिस्तान के अध का इलाकन में सिंधी बोली गलाई वे थी सिंधी अखबार पढ़ी वे थी सिंधी टीवी चैनल डिठा वन था सजो सिराकी इलाको थोड़े बदल लहजे वाली सिंधी गलाए तो न रुगो एतरो पर हिंदुस्तान के गुजरात राजस्थान वारन सूबन में भी सिंधी गालाइंदड़ समझंदड़ जो तादाद करोड़न में आए उन सवाए अरब रियासतुन ओलह के मुल्क लातिनी अमेरिका के मुल्क में भी सदियों का आबाद थियल सिंधी बोली गालाइंदड़ मौजूद आन उन्होंने मजमू तादाद भी 1 करोड़ का मथे आए तेकर इन सभी अंगन के जोड़ करण बाद यह गाल यकीन से चई सकजे थी तो सिंधी बोली गालाइंदड़ जो तादाद 10 करोड़ का मथे सिंधी बोली समझंदड़न जो अंग 15 करोड़ का है। सिंधी बोली के तबाही का बचाने लाय कड़ी लपी या रस्मुल खत अख्तियार करण घुर्जे यो बहस भी हाँ तकड़ो मुकम्मिल थियण घुर्जे इन सिलसिले में सिंध के डाहे हलीम बिरोही के राय के भी इंसाफ अहलियत के बुनियाद से बुधन घुर्जे। सिंधी बोली के बचाण उनके कौमी हैसियत दियारण लाय सरकार सरकार के इदारन के पंजो किरदार अदा करण घुर्जे। सिंधी बोली के दफ्तर में दाखिल थियण की इजाजत होण घुर्जे ऑफिसन यानी दफ्तर में अंग्रेजी से गड सिंधी बोली के भी शामिल किया वे हकीकत में तो सिंधी बोली के कड़ा खतरा उ खतरा किथा किथा का उन्होंने हल कि मुमकिन है इनते सिंधी डाहन के एक कमीशन विहारण की जरूरत है जहाँ तहकीक कर तफसील गड कर तजवीजू दिए तो सिंधी बोली के महफूज बनाने ला कड़ा उपाय वन घुर्जन उन कमीशन के तजवीजुन के सिंध के अदीबन शायरन सुघड़न फनकार सहाफिन के तंजीमुन सिंध के सियासी पार्टियों का मंजूर कराया वे बाद में उन तजवीजों के असेंबली में पास कराए उन अमल कराया वे जडह जेकर सिंधी बोली कमीशन जो तजवीजू अगे आयु सब सिंधी बोली गालाइंदड़ उन अमल शुरू कंदा तो यकीनन सिंधी बोली के केर भी खत्म न कर सकंदो। पीपी सरकार उनके तैलीम खाते के भी वन शहर के तैलीमी दर्सगाहन में तड़े कढ़ायल सिंधी बोली के बीहर मोटाए बहाल कर पंजो किरदार अदा कर घुर्जे। हद त यह है तो सिंध जहा वा मानू सजंदड़ सिंध जहा पीर मीर वडेरा सरदार जिनकी अक्सरियत कराची हैदराबाद के डिफेंस वार इलाक में रहे थी उन्होंने औलाद सिंधी लिखण पढ़ने के नो जाने सिंध के वेझड़ाई वाली तारीख सियासत उन खानदान कब्जो है उन खानदान के वडन जहा किस्सा जिन किताबन अखबार रिसाल में मौजूद हैं उन्हें पुट पोटा पैं वडन के तारीख के भी पा पढ़ी न सकंदा। सिंध के वन मान वडेर के यह गाल केर समझाई ते वडेरो जर तडेरा ही रहन चाहो था पंजे पंजे तकन में चूंढण मानुनते हुकूमत करण भी चाहो था तब तवे औलाद के सिंधी पढ़ घुर्जे। अंग्रेजन सिंध हुकूमत कर सिंधी बोली सीखी ए लिखी हुई तेकर सिंधी बोली खातर नहीं सही पर मानुनते हुकूमत खातर ही सही पर पंजे औलाद के सिंधी पढ़ाओ लिखा सिंधी अदबी संगत सिंधी बोली कौमी बोली की जागरता महम हलए सुठो कम किया है पर उन मौके ते यह गाल वे गौर ए विचार की घुर्जाऊ है तो असी सब
इो विचार करूँ तो सिंधी बोली के किथा किथा खतरो आए आई वो खतरो टारण आई हटायण किए मुमकिन आए। सिंधी बोली के लगल खतरन बाबत जी भी ख्याल आन उन्हें मां एकड़ो ख्याल ही बाहे तो सिंधी बोली के सब का वो खतरो अंदर यानी उन गालड़न में आए। असी जे सिंधी गालड़ आयो उन हकीकत में पैं जिंदगी में जण तो सिंधी बोली के निकाली दे छी आए। जीजल के लोलिए वारी उन रुठल बोली के असी परचाए पैं जिंदगी में मोटाए अचूँ तो असी पैं मादरे मोहतरम के मुकद्दस जबान के बचाए सकूँ था। असी सब गजी जर लिखण गालण में थोड़ा ध्यान करूँ धारिन बोलियों के हमले आवर लफ्जन के थोड़ा रोकने की कोशिश करूँ कमतरी के एहसास में मथे चढ़ूँ पैं यतीम बनायल बोली के लफ्जन मुहावरन के मथे हथ रखूँ पैं तड़ियल जख्मी कल पहाकन पहा रखूँ पैं मलूक मिठड़ी शायरी के आवाज़न उचारन से बीहर सिंगारे चपड़न से चुमण शुरू क्यों सचल सामी ए भिटाई से ही नौ नींह लगायूँ तो सिंधु माथरी की सिंधी बोली जो अजीम सागर वरी बीहर छुलकण शुरू करे सके थो। इन सिलसिले में सब का वो किरदार सहाफिन अदीबन शायरन के अदा करणो आए। बिन्हीं हथन से सलाम आए सिंध के सुगड़न के जेके वेचारा मीडिया मुआशरे में मोट न मिलने बावजूद सिंधी बोली से पैं मोहब्बत जो अलम ऊंचो कर था अचन। असी दावा करूँ था तो सिंधी अखबारों सिंधी सेटेलाइट चैनल सिंधी बोली के तरक्की ला कम कर रहा है पर इो सच जो रुगो मिठो पासो आए। उन सच जो कौड़ो पासो ही बाहे तो असाजा उ सब इदारा बे तरफ बोली के वे बिगाड़ सब पिण बनी रहा असाजे बेतवजी लापरवाही सबब असा पैं बोली में धारियन लफ्जन मुहावरन पहाकन के आबाद करे पैं बोली के लफ्जी आबादी के अकलियत में तब्दील करे पैं बोली से उो हशर कर रहा आयो जो अगुमें असा पैं कौम से करे चुका आयो।